हे एवरीवन, लेट्स टॉक गेम्स में आज हम बात करेंगे GTA 6 के बारे में। पॉपुलर गेमिंग मैगजीन कोटाकू में GTA 6 के डेवलपमेंट पे एक आर्टिकल आया है और इस आर्टिकल में कुछ चीज़ें इनकरेजिंग हैं और कुछ चीज़ें मुझे थोड़ा डराती हैं। तो देखते हैं ये चीज़ें क्या हैं। रॉकस्टार उन मुट्ठी भर कंपनियों में से है जिनके हर गेम में आप क्वालिटी की उम्मीद कर सकते हो, चाहे वो GTA सीरीज़ हो या रेड डेड रिडेम्पशन सीरीज़। जब रॉकस्टार कुछ बनाती है तो वो हर बार अपने बाउंड्रीज़ को पुश करती है। मेरा मतलब बहुत बेहतर ग्राफिक्स, नए गेम मैकेनिक्स, बड़े और बेटर ओपन वर्ल्ड्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स। आप जब रॉकस्टार के गेम्स को कंपेयर करते हो यूबीसॉफ्ट के असासिन्स क्रीड सीरीज से या एक्टिविजन के कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज से, जो लगभग हर साल एक नया गेम रिलीज़ करती है, तो क्वालिटी में साफ अंतर दिखाई पड़ता है। पर लास्ट ईयर रेड डेड रिडेम्पशन 2 के रिलीज़ के टाइम एक खबर आई कि रॉकस्टार एम्प्लॉयज़ को गेम क्रंच के टाइम 60 से 70 घंटे पर वीक काम करना पड़ा, जिस पे काफ़ी हंगामा हुआ। क्रंच पीरियड वो टाइम होता है जब रिलीज से पहले गेम को पॉलिश किया जाता है और बग्स और ग्लिचेस को सॉर्ट आउट किया जाता है। अब अगर ईमानदारी से बोलूँ तो मेरा नॉर्मल वर्क वीक ही 80-85 आवर्स का होता है, तो मुझे तो ये कुछ ज़्यादा नहीं लगा। पर अगर कोई कंपनी अपने यहाँ काम करने वालों के बारे में सोचती है तो ये एक अच्छी बात है। कोटाकू के आर्टिकल में यही कहा गया है कि रॉकस्टार अपना वर्क कल्चर बदलने की कोशिश कर रही है ताकि उनकी एम्प्लॉयज़ को थोड़ा आराम रहे, और इसका असर हमें GTA सीरीज़ की अगली गेम यानी GTA 6, जिसका कोड नेम अगर लीक्स की माने तो प्रोजेक्ट अमेरिकाज है, पे भी देखने को मिलेगा। ये बात मुझे डराती है क्योंकि इस आर्टिकल के मुताबिक रॉकस्टार GTA 6 का पहले एक मॉडरेटली साइज्ड गेम चंक रिलीज़ करेगी और फिर रेगुलर अपडेट से इसको एक्सपैंड करेगी। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि रॉकस्टार गेम्स, जिन्होंने GTA ऑनलाइन को माइक्रो ट्रांजैक्शंस से हेविली मोनेटाइज कर रखा है, अब GTA 6 को भी गेम्स एज अ सर्विस मॉडल पे लाने जा रही है, और गेम्स एज अ सर्विस मुझे बहुत डराता है। ये गेम्स डिज़ाइन ही इस तरह से होते हैं कि आपसे हर फीचर का ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठ सकें, और गेम्स की क्वालिटी पर भी इसका असर पड़ता है क्योंकि कंपनीज को लगता है कि हम अगले अपडेट में प्रॉब्लम्स को फिक्स कर देंगे, तो शुरुआत में ही करने की क्या ज़रूरत। चाहे वो बायोवेयर का एंथम हो, यूबीसॉफ्ट का घोस्ट रिकॉन सीरीज, बेथेस्डा का फॉलआउट 76 या EA का स्टार वॉर्स, सबकी कहानी एक ही है। पहले गेम अनफिनिश्ड, बगी और ग्लिची स्टेट में रिलीज हुई, जिसमें काफ़ी माइक्रो ट्रांजैक्शंस थे, जिसके कारण इनके सेल्स कम हुए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए और भी ज़्यादा माइक्रो ट्रांजैक्शंस लाए गए और कंपनी का फोकस गेम इम्प्रूव करने की जगह लॉस को कम करना हो गया, और अपडेट्स में नई स्टोरी लाइन्स और मिशंस की जगह नए स्किन्स, इमोट्स और कॉस्मेटिक आइटम्स आने लगे, जिसे आप पैसे देकर खरीद सकते हैं। और गेम्स का चैप्टर वाइज रिलीज भी पहले सक्सेसफुल नहीं रहा है। 2016 में स्क्वायर इनिक्स ने हिटमैन रीबूट के साथ यही करने की कोशिश की थी, जहां पर हर महीने एक नया एपिसोड रिलीज होता था, तो लोग साल भर रुक गए और पूरा गेम आने के बाद ही इसे खरीदा। GTA 5 मैंने फ्राइडे नाइट खेलना शुरू किया और संडे इवनिंग तक ख़त्म कर दिया। ये मेरे बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंसेस में से था। लास्ट ईयर मैंने रेड डेड रिडेम्पशन 2 के साथ भी यही किया। मेरा मानना यह है कि जब आप कोई गेम खरीदें तो उसी समय आपको पूरा गेम मिलना चाहिए, ना कि आधा अभी और बाकी फ्यूचर में देने का प्रॉमिस। खैर, अभी कम से कम 3-4 साल हैं GTA 6 के रिलीज़ में, तो देखते हैं कि रॉकस्टार्स के क्या प्लान्स हैं इसको लेकर। तब तक आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे सेफ।